नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का लेक्चर हम आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे मुझे पता पड़े कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करें वीडियो पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो साइंटिफिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो फोर्ट्रेन है, जो कि मोस्टली कंप्यूटर भाषा है। ओके, अगली बात करते हैं कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। ओके, तो जो सेकंड ऑप्शन सेकंड का है, जो मशीन लैंग्वेज जो रहती है वो कंप्यूटर समझता है और उसको निष्पादित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मशीन लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्टन, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इन सबको सीखना है आपको पहले, तो सबसे पहले आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है वो बताया। तो सबसे पहले आपको बेसिक जो है ना वो सीखनी बनती है, जो बी ड ए और SIC। ओके, तो ये आपको सबसे पहले सीखनी है इन सबको लैंग्वेज के लिए, तो इसीलिए इसको नीब का पत्थर कहा जाता है। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, तो जब आप जो इंटरनेट चलाते हो उसमें कौन सी लैंग्वेज मोस्टली यूज होती है आज के, तो जो जावा है वो ज़्यादा यूज होती है। जावा लैंग्वेज है वो यूज होती है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, तो जो प्रोलोग भाषा हुई थी वो हुई थी 1972 में। ओके, 1972 में, जो कि फ्रांस में हुई थी, और इन्होंने जो की थी वो थे एलेन कॉलमेरर। ओके, इनके द्वारा ये की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन है 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट आपने देखे होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है उसमें रहता है वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। ओके, जिसमें पावर पॉइंट भी रहता है, तो ये जो है ना वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। ओके, जो आप यूज करते हो, जो भी आपको लेटर या एक्सेल शीट बनाना है तो इन सब में यूज होती है। पावर पॉइंट्स, PPT बनाना हुआ, तो इन सब में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह का। अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मिट गया, तो मैं आप इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ, तो आप लिख लेना। तो यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उनके कुछ वर्ड रहते हैं। ओके, जैसे जावा के कुछ अलग वर्ड होते हैं, सी के कुछ अलग रहते हैं, उनकी हेडर फाइल्स अलग रहती हैं, तो ये कुछ जो वर्ड्स रहते हैं ना वो अलग रखे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रिजर्व वर्ड्स रहते हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए एक प्रयोग के लिए अलग रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। तो ये चारों लैंग्वेज जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हाई लेवल लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ओके, तो इंडिपेंडेंट होती है एक, डिपेंडेंट होती है, तो ये जो है ना कौन सा प्रोग्राम है ये पूछा गया है। तो नौवे का जो ऑप्शन है वो है पहला, जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, यानी ये जो है ना वो इंडिपेंडेंट रहती है मशीन पे। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लगी, और जो असेंबली लैंग्वेज रहती है, जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है, वो डिपेंडेंट रहती है मशीन प्रोग्राम पे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले है असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज जैसे कि मैंने बोला कि वो लो लेवल लैंग्वेज रहती है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लो लेवल लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है। तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है वो है लोगो, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोगो जो रहती है वो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा रहती है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रयुक्त
यूज की जाती है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो रहता है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहता है जिससे आप डाटाबेस क्रिएट करते हो, जैसे कि एक डीबीएमएस हुआ ना, तो वो भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहता है। उसी तरह से ये ओरेकल जो है ना वो डाटाबेस रहता है, सॉरी डीबीएमएस जो रहता है ना वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। ओके सॉफ्टवेयर नहीं रहता वो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डाटाबेस में फील्ड होती है। तो एक डाटाबेस में फील्ड जो रहती है वो रहती है जो आप किसी भी डेटाबेस से कोई भी जानकारी लेते हो तो वो जानकारी की श्रेणी रहती है। ओके आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, जानकारी की श्रेणी। और अगला क्वेश्चन है कि इसमें अगला क्वेश्चन जो है ना वो है कि डाटा, जब आप यहाँ पे मिट गया तो आप लिख लेना, एक डाटा को सब जगह सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप एक एक डाटा है और बहुत सारे जगह आपको सेव करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं। तो एक डाटाबेस का कॉन्सेप्ट रहता है, तो रिडंडेंसी रहती है डाटाबेस में। ओके तो रिडंडेंसी से आप एक ही प्रकार के डाटा को, यानी एक नाम के बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग जगह रिडंडेंसी से सेव कर सकते हैं उसको। ओके और आज का हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में प्रयुक्त डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसमें से डाटाबेस मशीन सिस्टम होता है, या डाटाबेस मेनटेन सिस्टम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या डाटाबेस माइक्रो सिस्टम होता है। तो इन इसका क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क भंडार का लाभ नहीं लेती है, तो इन तीनों में से कोई भी लाभ नहीं लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ओके तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।